मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भोपाल के जलाशयों के संरक्षण और विकास कार्यों की समीक्षा। महिला बाल विकास राज्य मंत्री रंजना बघेल से यूनिसेफ की मध्य प्रदेश प्रमुख तानिया गोल्डकर ने की भेंट। ऊर्जा राज्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने गुरुवार को मुरैना में उपज मंडी के उपकेंद्र का किया लोकार्पण। हेडलाइंस के बाद स्वागत है आपका। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भोपाल ताल के निर्धारित दायरे में अतिक्रमण होने पर संबंधित अधिकारी जिम्मेवार होगा। इस क्षेत्र में निर्माण की अनुमति देने वाले को भी दंडित किया जाएगा। चौहान ने बड़े तालाब सहित नगर के आसपास के तालाबों के संरक्षण, विकास और सौंदर्यीकरण की व्यवहारिक, दीर्घकालिक और अल्पकालिक योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। चौहान आज यहां झीलों के संरक्षण और विकास के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। नगरीय प्रशासन मंत्री बाबूलाल गौर, महापौर कृष्णा गौर, मुख्य सचिव आर परशुराम बैठक में मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश के सभी नगरीय और ग्रामीण तालाबों के संरक्षण की दिशा में ठोस पहल करने के निर्देश भी बैठक में दिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर जलाशय की डूब से प्रभावित होकर विस्थापित होने वाले परिवारों के हितों की सुरक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकता है। प्रभावित प्रत्येक परिवार के पुनर्वास हित सुनिश्चित होंगे और कोई भी परिवार उपेक्षित नहीं रहेगा। नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर जलाशय में पिछले दिनों जलस्तर बढ़ने के बाद क्षेत्र में फैल रही शंकाओं के संदर्भ में मुख्यमंत्री चौहान ने डूब प्रभावित परिवारों को आश्वासित करते हुए ये बात कही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और आदिम जाति कल्याण मंत्री विजय शाह 8 सितंबर शनिवार को डूब क्षेत्र का भ्रमण कर स्थिति का जायजा लेंगे और प्रभावित परिवारों से चर्चा कर समस्याओं के निराकरण की कार्रवाई करेंगे। ऊर्जा राज्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि राज्य सरकार ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में 24 घंटे बिजली देने का जो संकल्प लिया है वह पूरा होने जा रहा है। जनवरी 2013 से 24 घंटे बिजली मिलेगी। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने भोपाल शहर के नागरिकों को नए कनेक्शन देने के लिए सुविधा प्रदान की है। इसके अंतर्गत कोई भी उपभोक्ता एक टेलीफोन कॉल पर नए बिजली कनेक्शन प्राप्त कर सकता है। कंपनी ने राजधानी के उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस सुविधा का लाभ उठाएं। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर पालिका परिषद कोलार जिला भोपाल, नगर पालिका परिषद पीथमपुर जिला धार, नगर पालिका परिषद ओंकारेश्वर जिला खंडवा, नगर पालिका परिषद राघोगढ़ विजयपुर जिला गुना, नगर परिषद नरवर जिला शिवपुरी, नगर परिषद जैतहरी जिला अनूपपुर और नगर पालिका परिषद उमरिया जिला उमरिया में आम निर्वाचन 2012 के लिए 1 जनवरी 2012 के आधार पर मतदाता सूची तैयार करने के निर्देश संबंधित कलेक्टरों को दिए हैं। प्रारंभिक प्रारूप मतदाता सूची 20 जून 2012 से तैयार की जाएगी। इसका मुद्रण 6 अक्टूबर 2012 को होगा। दावे आपत्ति के बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 10 नवंबर 2012 को होगा। और एमपी लाइव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।